कल के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस काफी समय से निरंतर सतर्क है। जो हमारे अन्य राज्यों से लगने वाले बॉर्डर है उस पर हमने 20 चेक पोस्ट बनाई है और 24 घंटे वहां चेकिंग की जा रही है पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर। साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर PAC, LIU, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। जो हमारी रेलवे ट्रैक्स है, बस स्टैंड है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने अलग से एक योजना चलाई है जिसमें कि इनके आसपास रहने वालों से सहयोग लिया जा रहा है। जो संदिग्ध लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनसे पुलिस उनकी जांच कर रही है। किरायेदारों का सत्यापन का अभियान चलाया है। साथ ही साथ जो संभ्रांत लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम सहयोग की अपील करते हैं। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध गतिविधि कहीं संज्ञान में आती है तो तत्काल अपने स्थानीय पुलिस को या 112 पर डायल कर सूचना दें। पुलिस उसकी तत्काल जांच करेगी और जो भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां हैं उस पर पुलिस की भी नज़र है। हमारे LIU की टीम है और मुखबिर तंत्र है, उसको हमने अलर्ट किया है। और जो पूर्व के ऐसे संदिग्ध लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने का कार्य पूर्व में किए थे, उनको भी पुलिस ने बुलाकर सख्त हिदायत दी है और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। जो सभी पक्ष हैं उनसे वार्ता की गई है और कहीं कोई समस्या ना आए इसके लिए पुलिस निरंतर भ्रमण पर रहेगी। पूरे जनपद में जोनल स्कीम लागू करते हुए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है।